देखे अननेचुरल अलायंस वैसे होता है कि दूध में अगर लेमन डाल दीजिए तो फट जाता है। ओम प्रकाश राजभर नेचुरल है, अननेचुरल डालिए तो मीठा हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर बता दो। मैंने दो तीन शब्द आए यहाँ पर, एक तो नींबू आया। तो बीजेपी के पास ना ऐसा नींबू है कि अगर वो दूध में अपने यहाँ भी निचोड़ते हैं तो पड़ोसियों का दूध फट जाता है। वो अंग्रेजों से गुड़ सीखे हैं। वेलकम टू हुल्लर मीडिया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में महज अब कुछ महीने ही रह गए हैं, तब ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि मायावती की पार्टी बसपा विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ जुड़ सकती है, मगर तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मायावती ने आम चुनाव 2024 अकेले दम पर लड़ने का फैसला लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। क्या बसपा भाजपा की बी टीम है और अपना नुकसान उठाकर भाजपा को फायदा दिलाना चाहती है? इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा प्रवक्ता और एंकर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए अंत तक ये शानदार डिबेट। आप इसका ना बहुत ही ज्यादा सरलीकरण कर देते हैं जब भी गठबंधन की बात होती है। अरे आप भी तो 38 पार्टियां लेके बैठे हैं गठबंधन में, आप भी कौन सा अकेले इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं? यूपी में ही आप देखिए तीन तीन पार्टियां साथ लेके बैठे हैं, छोटी छोटी पार्टियां, तो गठबंधन की जरूरत तो आपको भी है। अभी मैं बोल देता हूं। हाँ बोलिए। देखे अननेचुरल अलायंस वैसे होता है कि दूध में अगर लेमन डाल दीजिए तो फट जाता है। ओम प्रकाश राजभर नेचुरल है, अननेचुरल है। शहद डालिए तो मीठा हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर बता दो। तो ये सुनिए, ये जो वैसी मिसाल है, ये एक दूसरे के साथ जाते हैं तो आपस में, अरे बीच में चुप रहो भाई, बीच में नहीं बोलता, अपने अपने बारे में बोलो, बीच में मत बोलो। ये फंस गया सी। हमने अरे हमने तो कोई बीच में बोला नहीं ना, बीच में बोली बोली। चुप रहने को आता है तो बीच में मैंने नहीं बोला। अरे बीच में, अरे बीच में, अरे क्या होता है भाटी साहब, भाषा को संतुलित रखो। एक तो भाटी साहब रुकिए यार, सत्ता के घमंड में मत होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बीच में मत बोलिए, सरकार बीच में मत बोलिए, यही समझ में आता है। अरे क्या होता है, अरे 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 क्या होता है, अपने अपने समय पे बोलिए। हाँ बिल्कुल, एक एक करके जफर भाई, आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप भी टोकते हैं, आपको भी बता देंगे हम, आप भी टोकते हैं। अपनी बात कर ली, उसके बाद आप बीच में टिकट, नहीं नहीं टीका टिप्पणी मत कीजिए। लड़ना है तो आप सवाल उससे लड़िए ना जिससे लड़ रहे थे, मेरा तो कोई आपको लेना ही देना नहीं है। अरे हमें मैं तो कह रहा हूँ कि आप हारने वाली पार्टी है, हमें देशद्रोही पार्टी से ही लड़ना है, संविधान विरोधी पार्टी से लड़ना है। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बेच के खा रहे हो, सुनिए आपको अंग्रेजों से लड़े थे, देश से लड़ लीजिए। अरे एक एक करके लड़िए ना, सुनिए, बीच में रुकिए, देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, आप क्या चीज हो, आपसे भी लड़ेंगे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैंने दो तीन शब्द आए यहाँ पर, एक तो नींबू आया। तो बीजेपी के पास ना ऐसा नींबू है कि अगर वो दूध में अपने यहाँ भी निचोड़ते हैं तो पड़ोसियों का दूध फट जाता है। वो अंग्रेजों से गुड़ सीखे हैं इन्होंने ना, कि किस तरह से दूसरी पार्टियों को तोड़ा जाए। और इनका जो नींबू है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नींबू रूपी हैं। ये कह रहे हैं नेचुरल अलायंस, अननेचुरल अलायंस, मतलब पीडीपी के साथ तो नेचुरल अलायंस था, बसपा के साथ जो था वो नेचुरल अलायंस था इनका उस समय पर, जब बसपा के साथ भी इन्होंने अलायंस किया बीजेपी वालों ने, और शिवसेना और अकाली के साथ अननेचुरल हो गया था, इसलिए उनकी पार्टियों में नींबू निचोड़ दिया इन्होंने। गजब बेइज्जती है। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है मुख्य तौर पर वो ये है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से इंडिया वर्सेस बीजेपी होगा। बीजेपी का कोई जो एनडीए उसमें कहीं कुछ नहीं है, वो 38 दल नाम के लिए हैं, उनमें किसी के पास कुछ पल्ले कुछ नहीं। आज कोई तटस्थ नहीं रहेगा, एक तटस्थ शब्द आया था, कोई तटस्थ नहीं रहेगा। राजकुमार भाटी जी ने काफ़ी विस्तार से बताया, अब तटस्थ कोई नहीं। अब या तो आप बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ हैं या आप बीजेपी की पॉलिसीज के साथ हैं। अगर साथ हैं तो या तो डायरेक्टली आप एनडीए में शामिल हैं या ओवैसी की तरह आप बैकड्रॉप से उनका से उनके चैनल से उनकी मदद कर रहे हैं। अब तय करना है बसपा को। आज एक वक्तव्य आया है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, हम इंडिया अलायंस में नहीं जाएंगे। इसका जो सीधा उत्तर है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों का प्रदेश माना जाता है। कहावत है कि उत्तर प्रदेश में तो हर व्यक्ति जो है वो पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को तकिए के नीचे लगा के सोता है रात को। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। और अभी भी मैं दो चीजें आपको कहना चाहूंगा, मैं नकारात्मक नहीं हूं। बसपा सुप्रीमो ने आज बयान जरूर दिया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस लेवल पे जिस तरह की बातचीत हमारी चल रही है मेरे सूत्रों से, बसपा तो आएगी आएगी, राजभर जी भी आएंगे। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात, और दोनों मिलकर इधर ही आएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनावी लड़ेंगे वो। आज का वक्तव्य उनका किस उसमें है मैं अभी नहीं कह सकता, हो सकता है ये
उन्होंने किसी कारण से दिया हो, मैं उस कारण का खुलासा नहीं करना चाहता हूं। और समय आने पर बसपा, मुझे लगता है कि बहन जी सही निर्णय लेंगी, और 2009 से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत बार सही निर्णय लिए हैं, और ये जो वोट परसेंटेज के आंकड़े 12% 10% ये सब रखे रह जाएंगे, और इंडिया अलायंस जो है वो 60% वोट लेकर बीजेपी को शिकस्त देगा। आलोक जी, आज जिस तरह आलोक जी रिपीट कर तमाम चीजें, आलोक जी आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी है, देख लीजिए, और आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता हैं, मैं फिर कहता हूं, और बड़े अनुभवी, बड़े पुराने मंझे हुए नेता हैं आप, मैं फिर कहता हूं, आप ऐसे हल्के बात नहीं कहते। आपने अगर कहा कि मेरे सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि बहन जी और राजभर जी इंडिया गठबंधन में आने वाले, रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से, बता दीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं, मुझे लगता है पूरी तरह से जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि बसपा और राजभर जी दोनों ही सही समय पर सही फैसला लेंगे, और मेरे जो व्यक्तिगत सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि वो दोनों इंडिया गठबंधन में आकर ही चुनाव लड़ेंगे, समय आने दीजिए। मैं उन चीजों का पत्ता नहीं खोल सकता हूं, और मुझे पूरी आशा है कि सही समय पर सही निर्णय होगा। अदरवाइज बीएसपी के तमाम सांसदों ने भी बहन जी को बुलाकर बोल दिया कि अगर अकेले लड़ेंगे तो हम सब साफ हो जाएंगे, और ये सच्चाई भी है। जब विधानसभा की सीटें नहीं निकल पा रही हैं, पिछला चुनाव भी परसेप्शन पर था, हमारा वोट परसेंटेज भी घटा, क्योंकि उसमें सीधा सीधा ये था कि बीजेपी को कौन हरा रहा है और बीजेपी को कौन जिता रहा है, वोटर दो हिस्सों में बंट गया था। और इस बार तो बहुत पूरी तरह से ध्रुवीकरण रहेगा पूरा, कि भाई या तो आप आइदर यू आर विद बीजेपी और यू आर अगेंस्ट बीजेपी, पर तो उसमें बसपा अपना स्टैंड खुद समझती है, लेकिन आलोक जी अगर ईडी सीबीआई का डर है, वो समझती है, आरोप लगाना साफ हो जाएगा, तो ईडी सीबीआई का डर तो रहेगा, फिर वो डर कैसे भाग जाएगा, और आप कह रहे हैं बहन जी चली जाएंगी उधर। देखिए, मैंने बसपा के लिए ईडी सीबीआई का डर है नहीं बोला, मैंने तो केवल दूध फाड़ने वाली बात पे बोला कि जहां जहां दूध की दही जमनी होती है, मक्खन निकलना होता है, वहां पहले ही नींबू पहुंच जाता है, और नींबू रूपी जो है वो ईडी सीबीआई है। बात तो सही है। अब आलोक शर्मा, अब मुझे देखिए पूछना ही पड़ेगा, और ये तीखा सवाल है आलोक शर्मा, आपकी पार्टी ने अपना प्रचार तो शुरू कर दिया, मणिपुर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना शुरू कर दिया, जिसे भारत जोड़ो 2 भी कहते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी कहां है? बीजेपी ने तो अपना लोकसभा का प्रचार भी शुरू कर दिया। आलोक शर्मा, दिखाऊं आज को आपको आज का वीडियो, आप तो बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, देखा होगा आपने दीवारों पर कमल बनाकर, जरा दिखाइए वीडियो, लाइए वो स्क्रीन पर। आलोक जी, जेपी नड्डा खुद उतरे हैं दीवारों पर कमल बना रहे हैं, प्रचार शुरू हो गया बीजेपी का, कांग्रेस का भी चालू है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का प्रचार कहां है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, अभी तो अभी आपने कहा कि हमने वहां मणिपुर से प्रारंभ कर दिया, तो आपने स्वयं ही कह दिया कि हमने प्रारंभ कर दिया। नहीं, गठबंधन का प्रचार कहां है? प्रचार को एनडीए का तो कर नहीं रहे हो, कांग्रेस ने शुरू कर दिया, गठबंधन का प्रचार नहीं है। सुनिए ना भाई, एनडीए का प्रचार भी अभी शुरू नहीं हुआ, नड्डा जी को एनडीए का फोटो तो बना नहीं रहे, एनडीए वो भी अपना कमल का फूल बना रहे म्यूजिक, और नड्डा जी ने बड़ा हिमाचल में प्रचार किया था पिछले साल, देखा था हमने, नड्डा जी मैं फिर कह रहा हूँ, नड्डा जी के हाथ में कुछ नहीं है, नड्डा जी खुद भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। बात यह है कुल मिलाकर कि गठबंधन से गठबंधन को आप जो लड़वा रहे हैं, आज जनता पूछ रही है जो तमाम 2014-13 में भाषण दिए गए थे, आज तक उनका क्या हुआ? हम केवल पार्टियों का आपस में उसका इतना वोट परसेंटेज, उतना हर चुनाव अपने अलग रणनीति के साथ, अलग विषय के साथ चुनाव लड़ा जाता है। आज बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ना चाह रही है वो पूरा देश देख रहा है। मतलब आज उन्होंने वोट के लिए शंकराचार्यों को भी अपने अगेंस्ट कर रखा है, उनको कोई परवाह नहीं है उस चीज की, तमाम संत उनके खिलाफ हो जाए उनको परवाह नहीं, उनको वोट चाहिए बस, किस तरह से वोट मिलेगा। आज का विषय यह है कि जो महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, किसान की आमदनी की बात, महिला अत्याचार की बात, बुलेट ट्रेन की बात, 15 लाख की बात, सीमाओं की सुरक्षा की बात, लवणे न भोजन। आलोक भाई, अरे छोड़िए ना भाई, आग जाके देखो, छोड़िए ना, कार्यकर्ता की आवाज सुनिए आप, ये बापों के बेटे आपके आलोक शर्मा, आलोक शर्मा आलोक जी बोलिए, क्या संदेश गया आलोक जी बताइए, जिस दिन यात्रा शुरू हो रही है उस दिन आपके इतने बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं। देखो भाई आलोक भाई, अरे भाई अभी तो देखिए, पार्टी ने 26-27 साल की उम्र में सांसद बना दिया हो, और उसके बाद 33 साल की उम्र में वो व्यक्ति केंद्र में मंत्री बन गया हो, वो कांग्रेस को लूटेगा क्या? और क्या चाहिए था उसको? 2 बार चुनाव हार लिया, चला गया, ठीक है भाई, दूसरा कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जनता तय करेगी। मजा आया।
तो साथियों, मायावती ने अपनी पार्टी बसपा का रुख साफ कर दिया है और अपने जन्मदिन के दिन अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मीडिया में साफ तरीके से रखते हुए भाजपा और सपा को जमकर सुनाया। गठबंधन को लेकर मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी को किसी भी तरह के गठबंधन से फायदा नहीं पहुंचता, उन्हें जो मत मिलना चाहिए वो उनके उम्मीदवार को नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि मायावती का ये फैसला इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है? और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।